सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज मूवी क्विक एक्स्ट्रा। मूवी क्विक एक्स्ट्रा क्या है? तो मूवी क्विक एक्स्ट्रा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि एनबीएफसी पी2पी लेंडिंग पर वर्क करता है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और पी2पी लेंडिंग मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो भी पैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करेंगे उन्हें आगे किसी बोरोस को एज अ लोन पर दिया जाएगा और जो भी लोन से इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट में से एक हिस्सा जो कि 12-13% का होगा वे आपको दे दिया जाएगा। बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से लेंडर और बोरोअर पर ही डिपेंड है। इनका ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया में जितने भी पी2पी लेंडिंग वाले प्लेटफॉर्म है वे भी सेम इसी बिजनेस मॉडल पर ही वर्क करते हैं। जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आप एक लेंडर यानी कि उधार देने वाले बन जाते हैं एंड फिर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को कई सारे लोगों को ऐसा लोन पर दिया जाएगा एंड लोन से जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वही इनका प्रॉफिट है एंड वही आपका प्रॉफिट होगा। पी2पी लेंडिंग इंडिया में लीगल है कि नहीं इसकी बात करें तो पी2पी लेंडिंग इंडिया में 100% लीगल है। सभी पी2पी लेंडिंग को आरबीआई के थ्रू लाइसेंस लेना होता है तभी जाकर वे पी2पी लेंडिंग कर सकते हैं। बिना आरबीआई के लाइसेंस के कोई भी पी2पी लेंडिंग बिजनेस नहीं कर सकता है। थोड़ा और डिटेल में जाएं तो पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में सिर्फ कुछ ही हैं जिन्हें आरबीआई के थ्रू लाइसेंस मिला है, जैसे कि लेनदेन क्लब, लैंड बॉक्स, फेयर सेंट, लैंडिंग कार्ड वगैरह वगैरह। बाकी सभी ने इन्हीं के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जैसे कि मूवी क्विक एक्स्ट्रा और 12% क्लब वालों ने लैंड बॉक्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है क्योंकि मूवी क्विक एक्स्ट्रा और 12% क्लब के पास पी2पी लेंडिंग करने का लाइसेंस आरबीआई से नहीं मिला है, इसीलिए इन्होंने लैंड बॉक्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। तो अब जो भी पैसे 12% क्लब या मूवी क्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट करते हैं वह इनडायरेक्टली लैंड बॉक्स में इन्वेस्ट हो जाते हैं और लैंड बॉक्स ही आपके पैसे को बोरोअर्स को एज अ लोन पर देती है और जो भी इंटरेस्ट लोन पर मिलता है उसमें से एक छोटा सा कट लैंड बॉक्स वाले रख लेते हैं, एक छोटा सा कट 12% क्लब और मूवी क्विक एक्स्ट्रा वाले रख लेते हैं क्योंकि ये लोग आप जैसे लेंडर लेके आए हैं जिन्होंने अपने पैसे इनके प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसी लोन में से एक बड़ा हिस्सा जो कि 12-13% का आएगा वह ये लोग आप लोगों को दे देते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपने पैसे को इनके प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया है, इसीलिए इंटरेस्ट में से एक काफी बड़ा हिस्सा ये लोग आप लोगों को दे देते हैं। अब इस पी2पी लेंडिंग वाले प्लेटफॉर्म पर अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसकी बात करें तो 12% क्लब पर पैसे इन्वेस्ट करने से लेकर विड्रॉ करने तक का प्रोसेस जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड मूवी क्विक एक्स्ट्रा में पैसे इन्वेस्ट करने से लेकर विड्रॉ करने तक का प्रोसेस जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में मूवी क्विक एक्स्ट्रा में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे विड्रॉ करते हैं इसका प्रोसेस बता देता हूं। तो सबसे पहले आप मूवी क्विक एक्स्ट्रा की आपको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इधर एक्स्ट्रा पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते आप एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन होगा, तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बेसिक सी डिटेल देकर अपनी केवाईसी इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है इसका प्रोसेस भी हमने इस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो केवाईसी का प्रोसेस जानने के लिए आपको हमारी उस वाली वीडियो को वॉच करना होगा। फिर मूवी क्विक एक्स्ट्रा के अंदर आपको दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होंगे, पहला फ्लेक्सी और दूसरा प्लस। फ्लेक्सी में आपको 12% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलता है और प्लस में आपको 12.99 यानी कि 13% पर एनएम का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो जैसे हमने फ्लेक्सी वाले में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं जिस पर हमें 1.64 रुपीज डेली के इंटरेस्ट मिल रहे हैं और टोटल अभी तक हम 98 रुपीज 40 पैसे अर्न कर चुके हैं। तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको दो ऑप्शन होंगे फ्लेक्सी और प्लस का, दोनों में ही आप मिनिमम 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप दोनों में ही 10 लाख रुपीज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी में आपको 12% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलता है पर इसमें अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे ही आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट देंगे 24-48 आवर्स के अंदर आपके पैसे आपके लिंक बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पर प्लस वाले में आपको 12.99% का इंटरेस्ट दिया जाता है, इसीलिए इस ऑप्शन में आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने प्लस वाले ऑप्शन में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो आप समय से पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जैसे अगर आपने 3 महीने वाले ऑप्शन को चूज किया है तो अगर आप 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो फिर इस केस में आपको 1 भी रुपए ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और अगर आप समय से पहले विड्रॉ करते हैं तो फिर इस केस में आपको सिर्फ 8% पर एनएम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कि आपको फ्लेक्सी में इन्वेस्ट करना है या फिर प्लस में, पर मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप फ्लेक्सी वाले ऑप्शन को ही चूज करें। तो जैसे चलिए हम फ्लेक्सी वाले में 10,000 रुपीज एंटर कर लेते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद इधर आपको होगा कि आपको ईयरली 1200 रुपए ऐसा इंटरेस्ट मिलेंगे, मंथली आपको 100 रुपए ऐसा इंटरेस्ट मिलेंगे
और अगर आप डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आपको डेली के 3.29 रुपए एज अ इंटरेस्ट दिए जाएंगे। तो देखने के बाद आप नीचे इन्वेस्ट अमाउंट पर क्लिक करेंगे एंड फिर अपने लिंक बैंक अकाउंट के थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही आपके पैसे तुरंत ही इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको आपके पैसे पर इंटरेस्ट मिलना 3 से 4 दिनों के बाद शुरू होगा। तो इस तरह अपने पैसे को मूवक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के 3 से 4 दिनों का वेट करने के बाद आपको भी कुछ इसी प्रकार का डैशबोर्ड शो होगा। इधर आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट शो होगा और इधर आपको आपका इंटरेस्ट शो होगा। फिर अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर अपना अमाउंट एंटर करेंगे कि आप कितने रुपए को विड्रॉ करना चाहते हैं। मिनिमम आप 1 रुपए को विड्रॉ कर सकते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद आप नीचे इस पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आपका लिंक बैंक अकाउंट होगा तो आप इसी बैंक में ही पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक को चूज करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाएगी और 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके पैसे सक्सेसफुली आपके लिंक बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह आप मूवी को एक्स्ट्रा में पैसे इन्वेस्ट और विड्रॉ कर सकते हैं। पैसे इन्वेस्ट करने का और पैसे विड्रॉ करने का प्रोसेस काफी सिंपल है। पैसे कमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। आपको आपके पैसे पर डेली का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। रिस्क की बात करें कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करने पर जोखिम कितना है, तो इस इन्वेस्टिंग में रिस्क तो है और पूरा रिस्क आपका ही है। अगर बाय चांस जिसको भी लोन दिया जाता है वह डिफॉल्ट कर देता है, वह लोन को नहीं चुका पाता है, तो फिर इस केस में आपका पैसा डूब सकता है। और फिर इस कंडीशन में ना ही 12% या मूवीक्विक वाले कुछ कर सकते हैं और ना ही लैंडबॉक्स वाले कुछ कर सकते हैं। पर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए लैंडबॉक्स वालों ने 2 चीजों का काफी ख्याल रखा है। पहला कि ये लोन सिर्फ उन्हीं पर्सन को देते हैं जिनका सिविल हिस्ट्री यानी कि जिनका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, और दूसरा कि ये आपके पूरे पैसे किसी एक पर्सन को एज अ लोन नहीं देते। ये कई सारे अलग अलग क्रेडिट वर्थी बोरोअर्स को आपके पैसे को एज अ लोन पर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपीज पी टू पी लैंडिंग वाले प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कर रखें तो आपके पूरे 1000 रुपीज किसी एक पर्सन को ना देकर 100 रुपए 10% को एज अ लोन दिया जाता है एंड वे 10 के 10 क्रेडिट वर्थी बोरोअर्स होंगे, यानी कि उन 10 के 10 का सिविल स्कोर काफी अच्छा होगा। तो इस कंडीशन में अगर 10 में से कोई एक भी पर्सन डिफॉल्ट करता है तो फिर इस केस में आपका पूरा पैसा डूबने की वजह सिर्फ कुछ ही पैसा डूबेगा। कंक्लूजन की बात करें कि आपको पी टू पी लैंडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ये पूरी तरीके से आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में अभी कुछ डाउट है तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।